आज हम विभिन्न आकार की जमीन जैसे चौकोर, आयताकार, त्रिकोण और असमान बाजुओं की जमीन गुंठा और आर में कैसे नापी जाती है ये जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। जमीन गुंठा में कैसे नापे। चौकोर या आयताकार जमीन गुंठा में कैसे नापे। जमीन गुंठा में नापने के लिए पहले जमीन का क्षेत्रफल निकाले। चौकोर या आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने का एक ही सूत्र है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई। पहले चौकोर या आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई फुट में नापें और इन लंबाई और चौड़ाई का गुणन करें। इससे सूत्र के अनुसार हमें जमीन का क्षेत्रफल वर्ग फुट में मिलेगा। एक गुंठा 1089 वर्ग फुट के बराबर होता है, तो इस क्षेत्रफल को 1089 से भाग लगा दें, हमें जमीन कितनी गुंठा है ये उत्तर मिलेगा। त्रिकोण जमीन गुंठा में कैसे नापें। त्रिकोण जमीन गुंठा में नापने के लिए पहले जमीन का क्षेत्रफल निकालें। त्रिकोण जमीन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यह सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार गुने ऊंचाई 2। पहले त्रिकोण जमीन का आधार फुट में नापें, बाद में उस आधार के मध्य से जमीन की ऊंचाई फुट में नापें और सूत्र के अनुसार आधार और ऊंचाई का गुणन करें और आने वाले उत्तर को 2 से भाग लगा दें, हमें जमीन का क्षेत्रफल वर्ग फुट में मिलेगा। इस क्षेत्रफल को 1089 से भाग लगा दें, जमीन कितनी गुंठा है ये पता चलेगा। असमान लंबाई और चौड़ाई वाली जमीन गुंठा में कैसे नापें। यहाँ पर जमीन की लंबाई और चौड़ाई असमान है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का एवरेज निकालना होगा। तो पहले जमीन की दोनों बाजुओं की लंबाई फुट में नापें और उन्हें जोड़े और उसे 2 से भाग लगा दें, जिससे हमें एवरेज लंबाई मिलेगी। इसके बाद जमीन की दोनों बाजुओं की चौड़ाई फुट में नापें और उन्हें जोड़े और उसे 2 से भाग लगा दें, जिससे हमें एवरेज चौड़ाई मिलेगी। इसके बाद सूत्र के अनुसार एवरेज लंबाई और चौड़ाई का गुणन करें, जिससे हमें क्षेत्रफल वर्ग फुट में मिलेगा। इस क्षेत्रफल को 1089 से भाग लगा दें, हमें जमीन कितनी गुंठा है ये पता चलेगा। जमीन आर में कैसे नापें। जिन सूत्रों का इस्तेमाल हमने जमीन को गुंठा में नापने के लिए किया था, वही सूत्र जमीन को आर में नापने के लिए इस्तेमाल करना है। सिर्फ जमीन की लंबाई, चौड़ाई, आधार और ऊंचाई फुट के बजाय मीटर में नापें, जिससे हमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर में मिलेगा। और आगे क्षेत्रफल को 1079 के बजाय 100 से भाग लगाना है, हमें जमीन कितनी आर है ये पता चलेगा। यहाँ हमने क्षेत्रफल को 100 से भाग लगाया है, क्योंकि एक आर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा आप जमीन को गुंठा में नापने के बाद उसे आर में रूपांतरित कर सकते हैं। जमीन के विभिन्न मापन का रूपांतर कैसे करना है इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।